हेलो एवरीवन, साक्षी हियर। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट किस तरीके से बना। आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 को लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास कर दिया गया है। सो जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक से आने वाले हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो इस टॉपिक को अच्छे से करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, अब हम बात करते हैं। देखो, 1846 से लेके अगर हम 1947 तक की बात करें, उस टाइम पे जो जम्मू कश्मीर थी वो बेसिकली एक प्रिंसली स्टेट थी। अब एक प्रिंसली स्टेट है तो कोई ना कोई डायनेस्टी भी होगी जो इस पे रूल कर रही होगी। उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में बेसिकली डोगरा डायनेस्टी का रूल था। ओके, सो अब हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ। आपको पता ही है जब इंडिया आज़ाद हुआ उस टाइम पे बोला गया कि दो डोमिनियंस बनेंगे, एक इंडियन डोमिनियन होगा, एक पाकिस्तान का डोमिनियन होगा, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको थ्री ऑप्शंस दिए गए बेसिकली, कि चाहे आप इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन कर लो, चाहे आप पाकिस्तान डोमिनियन को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो उस टाइम जो जम्मू और कश्मीर की प्रिंसली स्टेट थी, उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का रास्ता चुना। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में महाराजा कौन थे, उनका नाम है महाराजा हरि सिंह। ओके, सो महाराजा हरि सिंह ने क्या चुना कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना हम इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन करेंगे, ना ही हम पाकिस्तान डोमिनियन को ज्वाइन करेंगे। बट उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी इन्वेजन स्टार्ट होगी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से। वहाँ पर सोल्जर्स आने लगे वेपन्स लेके, ट्राइब्समैन आने लगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से हेल्प मांगी कि कुछ करो, हमारी हेल्प करो, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान से सोल्जर्स आ रहे हैं कब्ज़ा करने, हमारी हेल्प करो। हेल्प के लिए बेसिकली महाराजा हरि सिंह ने दिल्ली में एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था। उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। इनके बारे में पूछा जा सकता है। ओके, सो याद रखना है, शेख अब्दुल्ला को भेजा था महाराजा हरि सिंह ने दिल्ली में कि अपनी बात पहुंचाने के लिए। ओके, उसके बाद फिर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से भागते हुए जम्मू में आए, जहाँ पे उन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया। उस अकॉर्ड का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस अकॉर्ड का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ओके, बेसिकली इसके तहत ही जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बना। ओके, जो ये असेशन जो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया, उसको उस टाइम जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने एक्सेप्ट किया। पूछा जा सकता है कि जब ये अकॉर्ड साइन हुआ उस टाइम पे इंडिया में गवर्नर जनरल कौन थे, उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद आपको जो याद रखना है वो ये है कि 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने बोला कि जम्मू कश्मीर में एक अलग से इंट्रिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। आई होप आपको पता होगा इंट्रिम गवर्नमेंट कौन सी होती है। ये वो गवर्नमेंट होती है जो टेम्परेरी बेसिस के लिए बना दी जाती है। इंडिया में भी बनी थी, आपको उसके जो भी मिनिस्टर्स थे उनका क्या पोर्टफोलियो था वो सब याद रखना है, बिकॉज पूछते रहते हैं एग्ज़ाम्स में। ओके, सो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, और जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसका प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेख अब्दुल्ला को। ओके,
सो ये थी छोटी सी स्टोरी कि कैसे जो कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बना। और इसके साथ आप एक और चीज़ याद रखना कि जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, ठीक है? जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बेसिकली 26 जनवरी 1957 को बना था। ये एज अ फैक्ट पॉइंट याद रखना, ओके? सो आज हमने डिस्कस किया कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट किस तरीके से बना। इस पे भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।